नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में यहां बदले हुए सियासी समीकरण का सरहदों खासतौर पर एलओसी पर किसी भी किस्म के असर की संभावनाओं से साफ इनकार कर दिया है। सेना की 16वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को उसका आंतरिक मुद्दा करार देते हुए ये कह रहे हैं कि एलओसी की सुरक्षा सेना की जिम्मेदारी है और सीमा पार से घुसपैठ ना होने पाए इसके लिए कमर कस ली गई है। राजौरी डे के अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह ने पत्रकारों से, यहां आप देखिए जब वो रूबरू हुए हैं, बातचीत यहां पर की गई है, तो इस दौरान हालांकि ये भी कहा गया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला मुल्क नहीं है और उसके हर नापाक मंसूबे पर पानी फेरने के लिए सेना पूरी तरह से तत्पर है। वहीं लॉन्चिंग पैड्स पर भी आतंकियों की संख्या पर उन्होंने बताया कि यह आंकड़ा ऊपर नीचे होता रह रहा है और मौजूदा समय में ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि सीमा पार भारी संख्या में आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद हैं। पाकिस्तान इंटरनल सिचुएशन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, टू डिफरेंट थिंग्स। I won't like to comment anything inside Pakistan because that's the internal matter. Line of control is a duty to guard by army, and army is fully in control of ensuring that no infiltration takes place from the line of control. And we do not get impacted by internal situation in Pakistan. वो हो सकते हैं उनकी कोशिश करी जाएगी, because Pakistan अभी भी कोशिश कर रहा है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में अमन शांति भंग कर दी जाए, तो वो एक्टिविटी करेगा, लेकिन हम उस चीज़ का जायज़ा रखते हैं और हमारी कार्रवाई पूरी तरतीब से चल रही है कि उसकी जो कोशिश है वो नाकाम रहे। वो कोशिश कर सकता है, नाकाम हो जाएगा। नंबर ऑफ मिलिटेंट्स ये जो होता है ये असेसमेंट होती है, किसी ने फिजिकली देखे नहीं होते हैं। बहुत सी एजेंसियाँ हैं, वो इनपुट आती है और इनपुट का जो वेरिएशन चलता रहता है, और इसमें कोई इतनी बड़ी भी इनपुट नहीं है कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। जिस तरह से अगर कंपेयर किया जाए 2021-2022 तो माइनर वेरिएशंस है, लेकिन कोई ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। दूसरा, ये ड्रोन का खतरा है, ये ड्रोन का जो मैक्सिमम एक्टिविटी हो रहा है आईबी सेक्टर में हो रहा है, एलओसी सेक्टर में ड्रोन का ज़्यादा खतरा नहीं है। तो आईबी सेक्टर में हमारी जो तैनात बीएसएफ है उसका जट के मुकाबला कर रहे हैं, और एलओसी सेक्टर जो कि हमारे नीचे है उसके अंदर ड्रोन का आज तक कोई ज़्यादा ऐसा एक्शन नहीं हुआ कि आर्म ड्रॉपिंग उसके अंदर हुई हो एलओसी सेक्टर के। तो मंगलवार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पुंछ जिले की लॉरेन पुलिस स्टेशन के एसएचओ वेद प्रकाश को आज जम्मू में सीबीआई कार्यालय में लाया गया है और सीबीआई कार्यालय में पेशी के बाद वेद प्रकाश को रिमांड पर भेज दिया गया है। एसएचओ वेद प्रकाश ने एक जमीनी विवाद के मामले में एक शख्स से रिश्वत मांगी थी और इसे सीबीआई ने शिकायत मिलने पर यहां मंगलवार को 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में आज राजस्व अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद में तहसीलदार सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। इन सभी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां से तहसीलदार रविशंकर को इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जिनके सर पर यहां गंभीर चोटें आई हैं। तहसीलदार ने बताया कि अपने उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश पर सुंदरबनी में हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई थी, मुहिम चलाने की तैयारी यहां पर की जा रही थी और कुछ लोगों ने उनके सरकारी आवास पर घुसकर उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि प्रशासन भी इस तथ्य का पता लगाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये घटना सामने आई है। सुंदरबनी टाउन एक इम्पॉर्टेंट रोड जो सुंदरबनी टाउन को हॉस्पिटल के साथ लिंक करती है, उसके ऊपर दुकानें बना के रखी है। एज पर दक्षिणा वर्दी डीसी साहब, उनको हमने हटाना था, आज पुलिस आई थी, इनको पता लग गया, इन्होंने मेरे क्वार्टर में आके पहले रिक्वेस्ट की, जब मैंने नहीं माना तो मुझ पर अटैक किया। दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। सर झूठ क्यों बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया था। बाद में जो टीम आई उनके बाद मुझे नहीं पता, बट इतना है वहाँ मेरा ग्लास पड़ा था उसको तोड़े, टांके मुझे 3 लगे हैं, इसमें कोई ना कोई शार्प थी। अब मैं ऐसे झूठी कहानी बनाऊं कि था, आई वॉन्ट से दिस थिंग।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने आज ब्लॉक आरएसपुरा की पंचायत कोटली गलाबाना में भी कुछ निर्माण कार्य शुरू करवाए हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पंचायतों के विकास के लिए लगातार फंड्स मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ विकास कार्य हो पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस गली की बहुत पुरानी समस्या थी, जो आज मतलब कि इन सब ने मिलकर ये समस्या मेरी हल की और ये गली का काम शुरू करवाया। और बाकी इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इधर बिजली की प्रॉब्लम है, मैं वो भी इनके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब और मतलब कि ये खंबे वाले मतलब आखन कि इधर ये खंबे लगन और बिजली की जी समस्या जी सारी है ठीक दूर हो जाए। जनरल जोरावर सिंह की पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावनी श्रद्धांजलि दी गई। रियासी के भीमगढ़ फोर्ट पर आज जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत कर जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा आम लोगों ने भी उन्हें यहां भावनी श्रद्धांजलि दी। रियासी की डीसी बबीला रखवाल और डीडीसी चेयरपर्सन सरफ सिंह नाग सहित अन्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे। तो डोडा के अस्थायी कर्मचारियों ने उनकी सुनवाई न होने की सूरत में बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे दी है और इन सफाई कर्मचारियों ने आज म्यूनिसिपल काउंसिल के कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए आरोप लगा दिया कि ना तो उन्हें नियमित किया जा रहा है और न ही केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर मानदेय मुहैया करवाया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर यहां 3 दिनों के भीतर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी म्यूनिसिपल काउंसिल पर होगी। हमारी जो काम जो है हमें परमिट ना करते हैं, वो ना हमें यूटी का रेट देते हैं। पिछली दफा हमने जो जम्मू में ये एक मीटिंग बुलाई तो उस मीटिंग में हमारा फैसला ये हुआ, उसमें हमें जम्मू प्रामिस के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी लीडर हैं, वो वहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो कश्मीर डिवीजन से भी और जो हमारे कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद थे। वहां हमने ये फैसला लिया कि अगर हमारा मसला जो 1 महीने का टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिया था, तो अगर 14 तारीख तक हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम अपने पूरे चिनाबली में, पूरे जम्मू प्रामिस में, कश्मीर प्रामिस में स्ट्राइक पर आएंगे। तो हम उनको 14 तारीख के बाद भी 3 दिन का टाइम देते हैं कि अगर हमारा काम तो उन 3 दिन के अंदर अंदर हुआ, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम रोडों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। सेना की ओर से पुंछ के नगाली साहिब स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आज एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। राजौरी दिवस के मौके पर आयोजित इस मेडिकल कैंप में करीब 1000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी यहां पर वितरित की गई। इसमें आशा वर्कर्स ने मोबिलाइजेशन, लोगों को दूर दूर से लोगों को लेकर आई हैं। तो दूसरा ये है कि मेडिसिंस यहाँ पे सारी फ्री मिल रही हैं, तभी हमें अपने जो हमारी हॉस्पिटल की मेडिसिंस हैं वो हमारे जो यसगर साहब हैं तो ये सारी मेडिसिंस का यहाँ उन्होंने प्रोविज़न रखा है। दूसरा हमारे जो आयुष के हेड हैं उन्होंने भी भेज दिए हैं अपनी मेडिसिंस वगैरह, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अच्छी तरीके से दूर दूर से लोग आके चेक करा रहे हैं और फायदेमंद हो रहे हैं। कठुआ के वार्ड नंबर 1 में गंदे पानी की सप्लाई होने और आखिरी शोर तक पानी न पहुंचने से विफरे हुए लोगों ने आज जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया है कि विभाग के अधिकारियों को बार बार अवगत कराए जाने के बावजूद भी उनकी समस्या का कोई हल नहीं हो पाया।
सारा ये मसला कि पानी सारा ही बड़े बार जाए चुके हैं, पीएचई दफ्तर बड़े बार गए हैं कि सारी सुनाई नहीं, जिसे जाने और अफसर बोलते कि तुम जाओ करेगी थोड़ा पानी आई आग ते साफ थोड़े पानी आई गए, मेरा लास्ट पॉइंट सर मिगी पानी नहीं मिलता, गंदे आ गंदा पानी 15-20 मिनट गंदा पानी, ते जेड़ा पानी छोड़दे उन्हें फोन करिए बोलो कि पानी नहीं आया, उनका टाइम फिक्स होता 6 बजे पानी आया 7 बजे बंद हो जाता, उनका कोई पता नहीं होता कि पानी उन्हें घंटा देना है, कुसा दे घर पानी चढ़े चाहे ना चले। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी पंडित विस्थापितों का हवाला देते हुए सरकार की कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडित विस्थापितों को उनका हक देने के लिए भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन ये दावे हवा हवाई होकर रह गए हैं, और जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक कर यहां कश्मीरी पंडित विस्थापितों के कैंप की हालत और उसके साथ इन लोगों की कई अन्य मांगों पर विचार विमर्श किया गया। पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने आरोप लगाया है कि ये लोग आज भी सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा सरकार को ये बताना होगा कि कश्मीरी पंडित विस्थापितों के घाटी में पुनर्वास सहित इन्हें अन्य सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहती है कि साहब हम कश्मीरी भाइयों के लिए इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बेसिकली ग्राउंड रियलिटी पे ये है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भी इन्होंने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नगरोटा में जो इनका कैंप था पिछले 6 महीने से ज़्यादा से वो प्रोटेस्ट करते रहे बेचारे इसी पर्पस के लिए कि साहब हमारी दुख तकलीफ जो तकलीफें जो है इनको दूर कीजिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी ने कान नहीं धरा, किसी ने इनकी कोई डिमांड नहीं सुनी। आज से इनकी हुकूमत है जम्मू कश्मीर के अंदर भी और वहाँ पे सेंटर में भी। हम आज पूछते हैं, सवाल करते हैं कि इन्होंने इनके लिए क्या किया, क्या रोड मैप बनाया कश्मीर में डिग्निटी की, और इनको बड़ी बाइज्जत ले जाने की बात करते हैं, ये कितने आज तक क्वार्टर वहाँ पे बनाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू के सिंधड़ा इलाके में पिछले दिनों एक मंदिर में कुछ राष्ट्र विरोधियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के आरोप में यहां आप देखिए सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई थी, और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रमन भल्ला और पार्टी के अन्य नेताओं ने आज इस मंदिर का दौरा किया और स्थानीय लोगों से भी माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों से सावधान रहने की अपील की गई। रमन भल्ला ने सरकार से भी मंदिरों को पूर्ण सुरक्षा मुहैया करवाने की अपील की ताकि देश विरोधी तत्वों के मंसूबे कामयाब न होने पाए। आज सिद्धड़ा में जिस ढंग से कुछ मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ यहाँ पे की गई और लोगों की आस्था इसके साथ जुड़ी थी, आज मैं और सानी साहब जो जिला अध्यक्ष भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के और तमाम कांग्रेस के नेतागण के साथ यहाँ पे दौरा करते हुए यही मांग करेंगे कि पुलिस पूरी तौर पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर करे और जिस ढंग से ये माहौल को बिगाड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जाए, लोगों से भी अपील है कि अपने आप को चुकन्ना यहाँ पर रहे और शरारती तत्वों में नज़र रखें ताकि कहीं पे ऐसी वारदात ना हो पाए, और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे टेम्पल्स हो ऐसे श्राइन जहाँ पे हो उसको पूरी निगरानी उसके सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त यहाँ पे किए जाए ताकि दोबारा कहीं पे ऐसी हरकत ना हो पाए। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल व इसके सहयोगी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तमाम जरूरी संसाधनों की भविष्य में कोई कमी ना रहेगी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बैंगलोर की एक फर्म के साथ समझौता किया गया है जो वेंटिलेटर व अन्य जरूरी उपकरण मुहैया करवाएगी। जीएमसी की प्रिंसिपल डॉ शशि सुदन शर्मा व इस फर्म के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि चिल्वा दोराई एनके उनके बीच में आज यहां पर यह समझौता हुआ है। We are very happy to be in the state of Jammu and Kashmir and provide our services to the medical colleges here and their affiliated hospitals. We are really looking forward to working with the excellent team here and give them the much needed relief in terms of very quick turnaround of equipment, reducing the downtime and increasing availability of equipment for medical use. तो मानदेय की मांग को लेकर आज जम्मू में फिशरीज डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर द्वारा प्रदर्शन किया गया। ऑल कैजुअल लेबर फिशरीज डिपार्टमेंट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने आरोप लगाया है कि वो पिछले 6 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इन लोगों का आरोप था कि सरकार कश्मीर संभाग में काम कर रहे 450 कैजुअल लेबर को नियमित रूप से मानदेय दे रही है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में जम्मू के 150 कैजुअल लेबर को मानदेय के लिए यहां पर पूरी तरह से आप देखिए तरसाया जा रहा है। डायरेक्टर साहब ने पिछले 2-4 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी
कि मैं जम्मू में एक कमेटी बनाई है तो वो जल्द से जल्द रिपोर्ट देगी। मगर मैं डॉक्टर साहब को ये पूछना चाहता हूँ, वो कमेटी बहरी है या गुंगी है? उसको क्या सुनाई नहीं देता? उनकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई? और हमारा जो मसला पिछले 6 सालों से पेंडिंग पड़ा है, हमें बेसिस नहीं दिया जा रहा है। जम्मू में 150 लड़का कैजुअल लेबर बताओ, और कैजुअल लेबर पे फिशरीज में काम कर रहा है पिछले 20 सालों से, और श्रीनगर में 450 लड़का बताओ कैजुअल लेबर पे काम कर रहा है, उनको कंटिन्यू बेसिस दिया जा रहा है, और जम्मू में बिल्कुल टोटल बेसिस बंद किया है। मैं डायरेक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जम्मू के साथ ऐसा भेदभाव क्यों, जम्मू को क्यों अनदेखा किया जा रहा है, क्यों जम्मू वाले लड़कों के साथ बेइंसाफी की जा रही है? तो गर्मी के जोर पकड़ते ही उधमपुर में पीने के पानी का संकट गहराने लगा है। पिछले कुछ दिनों से पानी की सप्लाई न होने से गुस्साए लोगों का जो गुस्सा है वो आज फूट पड़ा है। उन्होंने कांग्रेस की स्थानीय इकाई को साथ लेकर जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों की माने हैं, यहां पर आप देखिए किस तरह से बात सामने रखी गई। लोगों की तरफ से ये आरोप लगा दिया गया कि जल शक्ति विभाग इस पर कोई काम नहीं कर रहा। पिछले 4 दिनों से उन्हें पानी की एक बूंद भी हासिल नहीं हो पाई है, जिससे गर्मी के इस मौसम में उन्हें निजात किस तरह से दी जाएगी ये विभाग को तय करने की जरूरत है। आए दिन लोगों में इतना रोष है कि पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है पूरे शहर में, और आप देखिए अभी गर्मियों की शुरुआत ही हुई है, 4-4 दिन के बाद आप देखिए महिला कह रही है 4 दिन में एक दफा पानी आ रहा है, और मजबूर होके महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं पानी भरने के लिए, कपड़े धोने के लिए बावलियों में जा रही हैं। ऐसा क्यों? अगर ये पूरे साल का बिल देते हैं तो पानी साल के 4 महीने क्यों लें? इसको लेकर के हमने आज जुलूस की शक्ल में विभाग के अंदर पहुंचे हैं, इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को वह देख के भी शर्म नहीं आई कि लोग अगर सड़कों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन ये कमरों में बाहर निकलने का हिम्मत नहीं करते। बस इन्होंने, हमने बोल दिया कि पानी को लेकर के अगर हमें सेटिस्फाई नहीं करते तो हम दफ्तर में घुस के एक्शन साहब से बात करेंगे, पूछेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम विद इन डेज RTI लगाने वाले हैं कि पाइपें कितनी आती हैं, कहां पाइपें लगती हैं, और यहां पानी की किल्लत क्यों आ रही है। जम्मू फोटोग्राफिक क्लब द्वारा जम्मू में आज आयोजित की गई प्रदर्शनी का हर कोई कायल हो गया है, और 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी में 5 कलाकारों द्वारा कैमरे में कैद किए गए फोटोज को आप देखिए किस तरह से अपने आप में एक सच्चाई बयान करते हुए देखा गया। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी का उद्घाटन यहां आप देखिए मायर ग्रुप की चेयरपर्सन जो कि रेणु गुप्ता हैं उनकी तरफ से किया गया, और पहले दिन कला के शौकीन कई लोगों ने यहां पर शिरकत भी की है और कला केंद्र पहुंचकर इसका लुत्फ भी लिया। में मैंने अपनी जो फोटोग्राफ्स जो कि मैंने न्यूजीलैंड में खींची हैं उनको यहाँ डिस्प्ले किया है। ये नेचर के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से देखे गए हैं, इसमें पानी है, इसमें पहाड़ हैं, इसमें सी है, इसमें सल्फर स्प्रिंग्स हैं, और दुनिया की हर चीज़ जो नेचर से रिलेटेड है वो इसमें दिखती है, और ये आपको ऐसे लगता है कि आप वहाँ पहुँच गए हैं कि ऐसी ये अच्छी सी सीनरीज हैं कि आपको लगता है कि आप वहीं जाके बैठ जाएं, और आपको इससे बहुत खुशी होती है जब आप ऐसी वर्क्स देखते हैं तो आपको एक प्लेयर और एक इसमें जो खुशी मिलती है वो मैं इन लोगों को देना चाहता हूँ। इस मायूसी के समय जबकि कोरोना की महामारी से लोग सब घायल हुए हैं तो ये एक अच्छा व्यू पॉइंट है, और इससे आप सब पॉजिटिव थिंक करेंगे, और मैं देखता हूँ कि इन एग्जीबिशन से लोगों का मनोबल बढ़ेगा और वो आगे खुशहाल रहेंगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।